अभी मैं सुरसग्राम में मेरा सिलेक्शन हो गया है मेगा ऑडिशंस के लिए, तो जो इंसान मुझे बोलते थे कि ये गाना बजाना करती है, पढ़ाई करवाओ इसको, लड़की है क्या करेगी, गाना बजाना क्यों करवा रहे हो, मम्मी पापा को भी बोलते थे, जाए नौकरी पाभी से ना, जाए नौकरी पाभी से ना, कहीं ये बलाम जी घर छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए, बलाम जी घर छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए, बलाम जी। आपकी बेटी मुंबई ऑडिशन के लिए जा रही है, कि जो लोग मुझे इतना ताना मारते थे अब वही लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी पे हमें गर्व हो रहा है, आपकी बेटी ने तो राम रोशन कर दिया, अब आप टीवी पे नजर आएंगे। एक ऑडिशन में तो टीवी राउंड ही होता है, टीवी पे नजर आऊंगी। तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे राजनंदी देखो जो जागरण करती थी गांव में, लोग हम लोग ताना मारते थे, वो अब टीवी पे दिख रही है, तो क्या कैसा लगेगा? मैंने तय कर लिया है कि देखिए अब तो भगवान की कृपा है, आपकी ऑडियंस मेहंदी न्यूज से आपकी ऑडियंस देख रही है, उनका आशीर्वाद रहा तो मेगा ऑडिशन में अपने बिहार का नाम रोशन करूंगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। देश में भोजपुरी सुर संग्राम का ऑडिशन चालू है और लगभग सभी जिले में ऑडिशन लगातार कराया जा रहा है, और उसमें मुंबई बुलाने के लिए कई कलाकार को चुना गया है। हमारे साथ राजनंदिनी जी है जो ये मेगा सिलेक्शन के लिए, ये मेगा राउंड के लिए सेलेक्ट हुई है, मुंबई जा रही है। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू सो मच भैया कि आप लोग मेहंदी न्यूज़ 99 से यहाँ आए हैं मेरा इंटरव्यू लेने, और मैं बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरा नाम राजनंदिनी हुआ और मैं अरवल ज़िले से हूँ, मेहंदी आता है वहाँ, और उस मेरे गांव का नाम जमुहारी हुआ। अच्छा जी, अब मुंबई जा रहे हैं, लाखों बच्चों का सपना होता है कि हम मुंबई जाकर गायकी करें, और सुर संग्राम भोजपुरी का बहुत बड़ा ये प्रोग्रामिंग शो है, उसमें आप सेलेक्ट हुई हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, हर बच्चे का सपना होता है, जिसके भी लाइफ में स्ट्रगल होता है, और आप सिंगिंग कर रहे हैं और सिंगिंग के लाइन में तो खास करके बहुत कम लोगों का सपना पूरा होता है, तो मैं यहाँ मेगा ऑडिशंस में तो सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेगा ऑडिशन के सिलेक्ट होने से पहले मुझे कितनी परेशानी हुई थी। तो मैं पटना आई थी, उसके बाद वहाँ लाइन में खड़ी हुई 5 बजे। अच्छा, कहाँ पटना आपका ऑडिशन कहाँ पे हुआ था आपका ऑडिशन? बीडी स्कूल, बीडी पब्लिक स्कूल है, उसी में सुर संग्राम का ये ऑडिशन स्टार्ट था। तो मैं वहाँ 5 बजे गई, सुबह के 5 बजे गई जी, और रात के 12 बजे लौटी मैं वहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद मैं खड़ी थी, 5 बजे से खड़ी ही थी, बहुत मुश्किल हुई। कितने लोग वहाँ ऑडिशन में पहुँचे थे? कम से कम वहाँ पे 6 से 7 हज़ार वहाँ पे लोग थे। हाँ, जैसा मैंने देखा था 6 से 7 हज़ार वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे मनोज तिवारी जी थे, आलोक जी थे जो सुर संग्राम के खुद विजेता थे, वहाँ पे कई सारे मुंबई के जज बैठे थे, उनके सामने आपने ऑडिशन दिया 6-7 हज़ार के बच्चों के बीच में। आपका पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में आप सिलेक्ट हुई, इसके बाद मेगा राउंड के लिए आप मुंबई जा रहे हैं, तो उनके सामने कैसा लगा गाकर, और क्या मतलब कि हुआ वहाँ, इंसिडेंट बताना चाहेंगे, कैसे आपने गाया, क्या कौन से गाना था? जी जी बिल्कुल, वहाँ पे आलोक भैया थे और कुछ टाइम के लिए मनोज तिवारी भैया वहाँ पे आए थे। मैंने उन्हें देखा फर्स्ट टाइम, तो मैंने उन्हें देखा तो बहुत अच्छा लगा, और उनके साथ तो मेरी फ़ोटो भी है, मैंने देखा है उन्हें और फ़ोटो खिंचवाई हमने। अच्छा, किसी का भी सपना होता है, इतने बड़े कलाकार हैं तो उनके साथ फ़ोटो भी हुई मेरी। और वहाँ पे मैंने आपको बताती हूँ कि वहाँ पे फर्स्ट गाना कौन सा गाया था फर्स्ट राउंड में, रउआ जाए के बात सुन के कुछ रुचत नहीं खे, रउआ है सामने कुछ और सुझत नहीं खे, बेचैन बानी हम चना करार मत लूटे, जवानी जिंदगी के जज्बात है बुझत नहीं खे, हो जाए नौकरी पाभी से ना, जाए नौकरी पाभी
कहिए बलराम जी घर छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी घर छुट्टी लेके और कुछ दिन रहिए बलराम जी। मतलब यही गाने गाकर आपको सिलेक्शन हुआ था क्या तैयारी है मुंबई जाकर और कौन से गाने गाने वाले हैं कुछ तैयारी वारी किए हैं के? जी तैयारी किया है मैंने, भैया ही सिखा रहे हैं और मेगा ऑडिशंस में तो और भी कंपटीशन बढ़ गया होगा तो जी मैंने तैयारी की है। यहाँ पे जो 6-7 हज़ार लोगों के बीच में कितने लोगों का बुलाया गया है मुंबई? पटना मुझे पूरी जानकारी नहीं है बट पटना से तो 9 लोगों को बुलाया गया है और गया में फिर ऑडिशन था वहाँ से कितने लोगों को बुलाया गया है ये मुझे नहीं पता। मतलब आपको जो 6-7 हज़ार लोगों के बीच में था जो 9 लोग आप लोग सेलेक्ट हुए हैं जी। अच्छा ये शुरुआत कैसे हुआ गायकी का आपका, कैसे आपने सोचा कि हम गायकी करेंगे और भोजपुरी सुर संग्राम में जाएंगे सेलेक्ट होंगे, क्या ये है आपका? मेरी जैसे कि आप शुरुआत पूछ रहे हैं कि मेरी गायकी से शुरुआत कैसे हुई तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पहले ऐसे ही घर में गाती थी, उसके बाद दाऊद नगर में जहाँ मैं रह रही थी तो वहाँ पे जागरण का आयोजन किया गया था, सब लोगों ने जागरण का आयोजन करवाया, उसके बाद मैं एज अ ऑडियंस बैठी हुई थी, नीचे बैठी हुई थी। अच्छा। और सभी म्यूजिशियन वहाँ पर गा रहे थे तो मेरे भाई ने बोला कि छोटी चलो ट्राई करते हैं, भैया छोटी बोलते हैं मुझे, तो भैया बोलते हैं कि चलो छोटी जाओ स्टेज पे एक दो गाना गाना, तो मैंने बोला कि थोड़ा तो फर्स्ट टाइम था तो नर्वस तो होंगी, तो मैंने बोला भैया को कि भैया रहने देते ना, तो भैया बोला कि नहीं छोटी चलो ट्राई करते हैं, तो मैं स्टेज पर गई उसके बाद एक दो गाना मैंने गाया तो वहाँ के म्यूजिशियन और ऑडियंस बोलने लगी कि एक और गाना सुनाइए एक और गाना सुनाइए, तो सब ने अप्रिशिएट किया मुझे कि आपकी गायकी बहुत अच्छी है, वहाँ पे म्यूजिशियन टीम बैठी थी उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसके बाद से फिर मुझे म्यूजिशियन टीम में नंबर दिया अपना, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे एक एक छोटे छोटे स्टेज मिलते गए, उसके बाद मैं अभी भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ और मैं जागरण करती हूँ जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा जब ये जागरण करते थे शुरुआती दौर में तो अबूमन होता ये है कि गांव में कोई भी लड़की या लड़का, लड़का को भी ताना मारता ही है कि जब गायकी स्टार्ट करता है तो तरह तरह की बातें आती रहती है सामने, चाहे आपके पड़ोसी हो या कोई रिलेटिव हो, कहते रहते कि अरे गाना बजाना कर रही है, तो ये सब कैसे आपने फेस करके यहाँ तक पहुँचा है? मैं क्या ही बोलूँ, अब लोगों की सोच ऐसी है लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा बोलते हैं मुझे कि लोगों का तो काम है कहना तो अपना कार्य करते रहो। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? जी मेरे मम्मी पापा टीचर हैं, पापा नवीनगर में हाई स्कूल में टीचर हैं और मम्मी मेरी बिलसार में टीचर हैं। कितना सपोर्ट है इस टाइम की, अब मुंबई जाने वाली हैं, काफ़ी पिछला स्ट्रगल रहा है लेकिन अब जो सपना रहा है आपके मम्मी पापा का, जैसा आप बोल रहे हैं आपकी भी सपना है मुंबई जाने का, तो ये कैसा लग रहा है, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है? मम्मी पापा तो बहुत ही खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ, मेरे पूरे परिवार खुश है। मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगी कि जो लोग मुझे इससे पहले, अभी मैं सुर संग्राम में मेरा सिलेक्शन हो गया है मेगा ऑडिशंस के लिए, तो जो इंसान मुझे बोलते थे कि ये गाना बजाना करती है, पढ़ाई करवाओ इसको, लड़की है क्या करेगी, गाना बजाना क्यों करवा रहे हो, मम्मी पापा को भी बोलते थे, तो वही इंसान अब लोग बोल रहे हैं कि बहुत बहुत आपकी बेटी को पे हम लोग को नाज है, आपकी बेटी मुंबई ऑडिशन के लिए जा रही है। अब वही चीज़ मुझे देखने को बदलाव मिला, देखने को मिला कि जो लोग मुझे इतना ताना मारते थे अब वही लोग बोल रहे हैं कि आपकी बेटी पे हमें गर्व हो रहा है, आपकी बेटी ने तो नाम रोशन कर दिया। अब आप टीवी पे नजर आएंगे? जी जी मेगा ऑडिशन में तो टीवी राउंड ही होता है, टीवी पे नजर आऊंगी। तो गांव वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कि अरे राजनंदी देखो जो जागरण करती थी गांव में लोग हम लोग ताना मारते थे वो अब टीवी पे दिख रही है, तो क्या कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल अच्छा ही लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तैयारी मजबूत हो रही है या नहीं हो रही है? आज शाम को आपको ट्रेन है मुंबई, आप पहुँचेंगे, कितनी तैयारी के साथ आप बैग भर के लेके जा रहे हैं मुंबई आप? जी जी बैग भर के ही लेके जा रही हूँ, मैंने तय कर लिया है कि देखिए अब तो भगवान की कृपा है, आपकी ऑडियंस मेहंदी न्यूज़ से आपकी ऑडियंस देख रही है, उनका आशीर्वाद रहा तो मेगा ऑडिशन में अपने बिहार का नाम रोशन करूँगी, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूँगी और ख़ास करके मेरी मासी तो
बहुत ही खुश होंगी क्योंकि मेरी मासी जो है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मेरी दीदी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, मेरी मम्मी से ज़्यादा एक्साइटेड मेरी मासी रहती हैं। यहाँ पे बिहार दिवस मनाया जाता था, मनाया जाता है पटना में, और बहुत तैयारियाँ होती हैं, तो मेरी मासी और मम्मी भी, तो मेरी मासी आगे हाथ पकड़ के लेके जाती थी, चलो छोटी कहीं भी छोटा छोटा प्रोग्राम होता था तो मासी हाथ पकड़ के लेके जाती थी और मेरा हाथ पकड़ती थी कि चलो छोटी कोई बात नहीं, वही गाते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है तो क्या हुआ, वहाँ गाते हैं। और गवाती भी थी मेरी मासी, बहुत सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। चलिए, अगर आप जीत जाएंगे तो क्या करेंगे दर्शकों के लिए, अपने फैमिली के लिए? अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फाइनल राउंड में आप पहुँच जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके आशीर्वाद की वजह से मैं जीत रही हूँ या फिर ऑडिशन में सिलेक्ट हुई हूँ। उसके बाद तो मम्मी पापा तो बहुत खुशी होंगे। चलिए, तो राजनंदिनी अब सुर संग्राम में सिलेक्ट होकर अब मुंबई टीवी पे नज़र आएगी, मुंबई से डायरेक्ट आप लाइव टेलीकास्ट देखेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करें और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक नया सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि राजनंदिनी काफ़ी अच्छा गाती है और सिलेक्ट हुई है, तो शायद फाइनल राउंड तक पहुँचे, हमारा शुभकामना है। और हमारे दर्शकों की तरफ से भी शुभकामना आपको कि आप जाएँ, जीत के आएँ मुंबई से। जी, और मैं आप सभी व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ भैया के चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरी जैसी भी जर्नी होगी आप लोग प्लीज़ इनके चैनल पे देखिए, मेहंदी न्यूज़ पे देखिए। और थैंक यू सो मच भैया कि आप यहाँ आए मेरा इंटरव्यू लेने, थैंक यू सो मच। शुक्रिया, आप शुभकामना है, आप जल्दी मुंबई पहुँचे और वहाँ पर आप सेलेक्ट हो और बिहार का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।